गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ईएसएससी प्लस के परिवार में, जहां योर सेटिस्फेक्शन इज आवर प्लेजर। मैं प्रसन्नजीत दे। पिछले क्लास में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था इन सारे टॉपिक्स के ऊपर, आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप इसके पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख ले, अदरवाइज आपको इस पार्ट को समझने में दिक्कतें आ सकती है। आज हम शुरुआत करेंगे a प्लस बी के होल क्यूब से। जैसा कि आप लोगों को पता है, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसका और एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a b और ब्रैकेट में a प्लस b। तो आज हम सीखेंगे कि ये दोनों फॉर्मूलाज का कॉन्सेप्ट क्या है, इससे ये फॉर्मूलाज कैसे आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं LHS से। LHS इक्वल्स टू a प्लस बी के होल क्यूब। तो इसका क्या हो जाता है, हम पढ़े थे कि क्यूब का मतलब होता है थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई। तो हम इसे थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी। तो आप कुछ देर के लिए फर्स्ट को भूल जाइए, फर्स्ट जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, ओके। सेकंड को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो a इंटू a स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू a बी ए या फिर ए बी, क्लियर है, प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर। अब ये कुछ सॉल्व हो सकता है क्या, ये सॉल्व हो सकता है? देखिए कुछ सेम दिख रहा है हम लोगों को, दिख रहा है, तो चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, अब हमें इससे ए प्लस बी का काम है, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के साथ। ए मल्टीप्लाई हुआ फर्स्ट ए स्क्वायर के साथ, तो ये बन गया ए क्यूब प्लस ए मल्टीप्लाई हुआ टू ए बी के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर b प्लस a मल्टीप्लाई हुआ b स्क्वायर के साथ, तो ये क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर। अब सब खत्म, a तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे, b को तीनों के साथ करेंगे, तो प्लस b मल्टीप्लाई हुआ a स्क्वायर के साथ, तो a स्क्वायर b प्लस b मल्टीप्लाई हुआ 2ab के साथ, तो 2ab स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, बी क्यूब। अब देखिए ए क्यूब का तो जोड़ी कोई नहीं है, तो इसे हम ए क्यूब ही रहने देंगे। देखिए ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी का कोई जोड़ी है क्या, हाँ है, कौन है, ए स्क्वायर बी। यहाँ दो ए बी स्क्वायर है, यहाँ पर एक ए सॉरी यहाँ दो ए स्क्वायर बी है और यहाँ पर एक ए स्क्वायर बी है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए तीन ए स्क्वायर बी। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, थ्री ए स्क्वायर बी। वैसे ही यहाँ देखिए एक ए बी स्क्वायर है और यहाँ पर दो ए बी स्क्वायर है, तो टोटल कितने हो गए, थ्री ए बी स्क्वायर। और बी क्यूब का कोई जोड़ी नहीं बना, तो बी क्यूब यहाँ हो गया अकेला। देखिए हमारा पहला फॉर्मूला आ चुका है, अब हम इसी से प्रूव करेंगे सेकेंड वाला फॉर्मूला। कैसे प्रूव होगा, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब को पास में लिख देते हैं, प्लस इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन निकालना है। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, दोनों में क्या दिख रहा है हमें, एक तीन दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है, दोनों में ए दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है दोनों में, तो बी निकल गया। यहाँ से थ्री निकल गया, एक ए निकल गया और एक बी निकल गया, तो बचा क्या, सिर्फ ए बचा। वैसे ही यहाँ से थ्री निकल गया, एक ए निकल गया और एक बी निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, एक बी बच गया। देखिए हमारा ये पहला आंसर है और ये दूसरा आंसर है। क्या था क्वेश्चन, ए प्लस बी का होल क्यूब, हमारा आंसर आ चुका है दोनों का। अब हम ए माइनस बी के होल क्यूब के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। आप लोगों को पता है ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इसका और एक फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट ए माइनस बी।
तो इसके लिए हमें सबसे पहले शुरुआत करनी है LHS से। LHS इक्वल्स टू है a माइनस बी का होल क्यूब। क्यूब का मतलब थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई, तो हम इसे थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसा हम लोगों ने पहले वीडियो में किया था, सेम इसे भी वैसा ही मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट को भूल जाइए, क्या होगा, इसे लिख दीजिए जैसा है वैसा ही। हम सेकंड को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी, देखिए माइनस है माइनस ए बी, अब दोनों का साथ मल्टीप्लाई, तो सेकंड में जाएंगे माइनस ए बी इंटू ए बी ए या फिर ए बी, और बी इंटू बी बी स्क्वायर, देखिए माइनस माइनस हो जाता है हमारा प्लस। अब सॉल्व हो सकता है अंदर में, ए माइनस बी यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे टू ए स्क्वायर बी, ओके। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए बी स्क्वायर। अब देखिए तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, तो अब किस में आएंगे, बी में, तो बी इंटू ए स्क्वायर बी माइनस ये प्लस, तो हो गया क्या माइनस बी इंटू टू ए बी, टू ए बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, फिर बी मल्टीप्लाई हुआ बी स्क्वायर के साथ, तो ये हो गया बी क्यूब प्लस माइनस माइनस, इतना दूर हो गया। अब हम इसे सॉल्व करें, बी क्यूब का तो कोई जोड़ी नहीं है तो इसे रहने देंगे। यहाँ देखिए ए स्क्वायर बी और यहाँ एक ए स्क्वायर बी, तो टू ए स्क्वायर बी, यहाँ वन ए स्क्वायर बी, तो टोटल कितना हो गया माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, फिर प्लस यहाँ एक ए बी स्क्वायर और यहाँ दो ए बी स्क्वायर, तो टोटल कितना थ्री ए बी स्क्वायर, यहाँ आ गया थ्री ए बी स्क्वायर माइनस यहाँ हो गया बी क्यूब। अब हमारा देखिए पहला वाला आ चुका है, अब हमें सेकेंड लाना है। सेकेंड के लिए क्या करेंगे, ए क्यूब बी क्यूब को पास ला दीजिए माइनस बी क्यूब, देखिए इसमें से फिर वैसे ही कॉमन निकालेंगे, क्या करेंगे यहाँ माइनस, और यहाँ देखिए दोनों में थ्री है, एक ए है और एक बी है, तो यहाँ दो ए था उसमें से एक ए निकल गया, एक तीन निकल गया और एक बी निकल गया, तो बचा क्या सिर्फ एक ए बचा, यहाँ हो गया माइनस, यहाँ भी देखिए एक तीन निकल गया, एक ए निकल गया और दो बी में से एक बी निकल गया, तो बचा क्या एक बी। तो देखिए हमारा दोनों आंसर्स आ चुके हैं, फॉर्मूला का दोनों आंसर्स आ चुके हैं। अब हम जानेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कॉन्सेप्ट क्या है। आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला आते कहाँ से है? तो ये फॉर्मूला हम एक पहले इससे पहले एक फॉर्मूला बताए थे, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी। ये जो फॉर्मूला है ये इसी से आता है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसका LHS को जैसा है वैसा ही रहने देंगे, RHS से हम 3AB ब्रैकेट A प्लस B को उठा के LHS में लाएंगे, तो ये प्लस जब इक्वल इक्वल का तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस 3AB ब्रैकेट A प्लस B, तो RHS में हमारा क्या बच गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखिए इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, माइनस के इधर और माइनस के उधर, वेरी गुड, दिख रहा है क्या चीज, ए बी, ए बी हमारा दोनों में है, तो क्या करेंगे ए बी को हम कॉमन निकाल लेंगे। अब देखिए इसका क्यूब है, क्यूब का मतलब होता है थ्री, थ्री में से एक बाहर निकल गया हमारा, तो बचा कितना दो बच गया, तो हमारा ए प्लस बी तीन था उसमें से एक निकल गया तो बचा कितना दो बच गया, वैसे ही माइनस यहां से ए बी निकल गया तो बचा क्या सिर्फ थ्री ए बी बच गया, और यहाँ जैसे था वैसे ही लिख देंगे क्योंकि ये कुछ नहीं किया हम लोग। अब क्या हो गया ए प्लस बी, यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या था माइनस थ्री ए बी इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब।
ए प्लस बी ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 2ab है प्लस में और यह माइनस में 3ab है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। मतलब तीन में से दो चला गया। अब क्या हुआ? तीन में से दो चला गया तो बचा कितना? सिर्फ एक ए बी बच गया। यहाँ क्या बच गया? सिर्फ एक ए बी। अब देखिए 2ab छोटा है, 3ab बड़ा है, ये बड़ा बेटा है तो हर जगह इसका ही राज चलेगा। इसका क्या साइन है? माइनस। तो यहाँ भी क्या लग जाएगा? माइनस। और यहाँ क्या बच गया? प्लस बी स्क्वायर। यहाँ आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप देख सकते हैं हमारा फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर आ चुका है। ए प्लस बी ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हम सीखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आप लोगों को पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे पहले वाले फॉर्मूले में जैसे हमने बताया कि वो फॉर्मूला उस एक दूसरे फॉर्मूला से आता है, सेम भी ये भी फॉर्मूला एक दूसरे फॉर्मूला से आता है। वो फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। ये जो फॉर्मूला है ये इससे आता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब ये चला गया उधर तो क्या बन जाएगा? माइनस बन गया हमारा प्लस 3ab और यहाँ क्या हो गया? ए माइनस बी। ये माइनस चेंज क्यों नहीं हुआ? ये चेंज हुआ तो आखिरकार ये क्यों चेंज नहीं हुआ? ये चेंज नहीं होने का कारण है कि यहाँ हमारा ब्रैकेट है। ब्रैकेट इसको यहाँ तक जाने देता नहीं है, इसलिए ये जैसे था वैसा ही रहेगा। और यहाँ देखिए कोई ब्रैकेट नहीं था, जो उधर जाके क्या हो गया? माइनस बन गया प्लस। अब हमारा आरएचएस में बच गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम उधर क्यों नहीं ले गए? इसको उधर नहीं ले जाने का कारण यही है कि देखिए हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब अकेला हो चुका है और हमारा फॉर्मूला में भी क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसी को हम लोग सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग उधर नहीं ले गए, क्योंकि अगर हम इसको उधर लेके जाते तो हमारा सॉल्व नहीं हो पाता। तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे और इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ आप लोगों को प्लस का इधर और प्लस का उधर कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ए माइनस बी। अब यहाँ तीन था, तीन में से एक चला गया तो कितना बचा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से ए माइनस बी निकल गया तो बचा 3ab और यहाँ क्या बचा हुआ है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फिर ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पहले से क्या है? 3ab। यहाँ क्या हो गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर। अब देखिए माइनस में है 2ab प्लस में है 3ab तो माइनस प्लस होता है माइनस। 3 में से 2 चला गया तो बचा क्या? ab। अब बड़ा बेटा कौन है? 3ab है, इसका साइन प्लस है तो इसका भी साइन क्या लगेगा? प्लस। और यहाँ क्या आ गया? प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आप देख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला आ चुका है। दोस्तों कमेंट कर बताएं यह वीडियो आपको कैसी लगी और अपकमिंग वीडियोस आप किस मैथमेटिकल टॉपिक पर देखना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक से हमें आपका फीडबैक पता चलता है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गेट सक्सेस।